सज्जनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। चौथे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम है माँ कुष्मांडा देवी। भगवती जगदम्बा पराम्बा ने कुष्मांडा का रूप धारण किया है और भगवती कुष्मांडा की जो कथा है वो नवरात्रि के चौथे दिन सुनना चाहिए तथा कुष्मांडा देवी का पूजन चौथे दिन करना चाहिए। भगवती कुष्मांडा की कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृति भद्राये निहिता प्रणता स्मृतां शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यश्चाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरी विनाशनम् मस्मद्वैरी विनाशनम्। बोलिए जगदम्बे मात की जय। सुरा संपूर्ण कलशम् रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अर्थात अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, इनके कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। और माँ भगवती पराम्बा जो ही इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति करने के वाली है तथा इनका नाम भी कुष्मांडा इसीलिए हुआ है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन भगवती कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना तथा आराधना एवं पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना भगवती कुष्मांडा की करनी चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भाव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वाले को माँ कुष्मांडा की आराधना में तत्पर रहना चाहिए। चौथे दिन जिस प्रकार आप भगवती की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजन अर्चन करें तथा इनको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कुष्मांडा देवी को मालपुआ अत्यधिक प्रिय होता है और कुष्मांडा देवी का पूजन करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, उसके घर में संपन्नता आती है तथा उसे कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवती कुष्मांडा का पूजन अर्चन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए तथा भगवती कुष्मांडा का जो मंत्र है वह इस प्रकार है। ओम रिम देव्ये नमः, ओम रिम देव्ये नमः, ओम रिम देव्ये नमः। इस महामंत्र का जाप यदि आप करेंगे तो भगवती कुष्मांडा अत्यधिक प्रसन्न होगी तथा आपको जो है मन चाहा वरदान शीघ्र ही प्रदान कर देगी। अब हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर के इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए थे। उन्हीं दोनों ने सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण का अधिकार प्राप्त कर लिया था। वायु एवं अग्नि का काम वे ही करने लगे थे। देवताओं को अपमानित करके पराजित करके एवं राज्य भ्रष्ट करके उन्होंने स्वर्ग से निकाल दिया था। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट
तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान का विचार करके पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंचे। वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले कि देवी एवं महादेवी को बारंबार नमस्कार है, शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है, हम स नियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, रुद्र रूपा को नमस्कार करते हैं, नित्य स्वरूप गौरी एवं धात्री को बारंबार हम नमस्कार करते हैं, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा एवं सुखमयी देवी को हम निरंतर प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को बारंबार नमस्कार है, दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शिव शंकर पत्नी माता जी को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारा सार रूपा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूमरा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं, अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार हम प्रणाम करते हैं, जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उन्हें भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप में स्थित है उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप में स्थित है उन्हें बारंबार नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उन्हें बारंबार नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है उन्हें बारंबार नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, जो देवी जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी समस्त इंद्रियों द्वारा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर के चैतन्य रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है, प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करते रहे वह मंगल स्वरूपा परमेश्वरी हमारा मंगल करे, हमारा कल्याण करे और हमारी समस्त आपत्तियों को विपत्तियों को दूर करे, दुष्ट दैत्यों से संतापित एवं संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है वह हमारी भी समस्त विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले कि हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती पराम्बा अम्बा की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी वहां पर आई और उस सुंदर भौं वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर के शिवा बोली कि ये देवता तो शुंभ दैत्य के सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित किए हुए मिलकर के मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्रागट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार जब कौशिकी देवी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के सेवक चंड एवं मुंड ने वहां आकर के उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप को धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर के कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एवं परम सुंदरी स्त्री वहां पर बैठी है, वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे आप ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न है,
उसको तो सभी अंग बड़े मनोहर और सुंदर है, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभो, जैसे भी आप जो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंड मुंड के वचन को सुनकर के शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर के देवी के पास अपना संदेश लेकर के भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर के अत्यंत शीघ्रता से यहाँ पर चली आए। यह सुनकर के दैत्य पर्वत के उस प्रदेश में जा पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर देवी बैठी हुई है। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला कि हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत बनकर के यहाँ आया हूँ। आपके पास उसने ही मुझे भेजा है, मैं वहां जो उसकी आज्ञा का न मानता तो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह आप कृपा करके सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही प्राप्त कर रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन एरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वह सब हे सुंदरी मेरे को प्राप्त हो चुकी है। हे देवी, अब तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता है। अब तुम्हारी इच्छा है मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, पूरा वैभव तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो और अपना विवाह हमारे साथ में कर लो। ऋषि बोले कि जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर के मंद मुस्कान करके बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम जो है उनके दूत बनकर के आए हो और शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा एवं मेरा अभिमान तोड़ देगा और संसार में मेरे समान बलधारी हो वह मेरा भर्ता हो जाएगा, उसे मैं पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आए, मुझे जीत करके मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण कर सकता है। दूत बोला कि हे देवी, तुझे अभिमान है इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो, कहो भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ का सामना कर सकता है। सारे देवता तो दूसरों दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते हैं, तू तो स्त्री है और तू अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने ठहर नहीं सके हैं, भला तू स्त्री उनका सामना कैसे कर पाएगी। इस तरह तुम उनको युद्ध में नहीं जीत पाओगी और तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, इसमें ही तुम्हारी प्रतिष्ठा रहेगी। अन्यथा जब वो तुम्हारे बालों को पकड़ करके घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली कि हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ निशुंभ बलवान है, दोनों पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने विचार नहीं की थी, मैंने सोचा नहीं था। अब तुम जाकर के असुर राज को मेरी यह बातों को बता दो, फिर उसे जो उचित लगे वह करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। अब हम आपको छठे अध्याय की कथा भी सुनाने जा रहे हैं। ऋषि बोले कि माँ भगवती जगदम्बा की इस प्रकार बात को सुनकर के दूत क्रोध से लाल होकर के लौट आया। फिर दैत्यराज को विस्तार से सारी बातें उसने सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर के उस दुष्टा के केस को पकड़ करके बलपूर्वक घसीटते हुए यहां जल्दी से ले आओ।
उसकी रक्षार्थ यदि कोई वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, उसे मार डालना। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 दैत्यों की महाभयंकर राक्षसों की सेना को लेकर के शीघ्र ही वहां से चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रखना, तुझे बालों को पकड़ करके घसीटते हुए बलपूर्वक यहां से ले जाऊंगा। देवी बोली कि इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ में यहाँ पर आए हो, इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले कि जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध से आई हुई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने दूसरे पर जो है तीक्ष्ण बाण फरसे आदि बरसाना आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर के भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल छटपटाता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से मार डाला एवं कुछ को जो है जबड़ों तथा कई महा असुरों को नीचे पटक कर दांतों दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों को तो केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तो तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से अलग करके मार डाले और अन्य की भुजाएं सिर आदि उसने काट डाले। इस प्रकार उनको छिन्न भिन्न कर दिए, कितनों के पेट फाड़ फाड़ करके गले के बाल फटकटाते हुए सिंह ने रुधिर पान कर लिया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने सारी सेना का नाश कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि जाओ उसके बाल खींच करके और उसको यहां पकड़ करके ले आओ, यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो उससे युद्ध करना, सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सारे असुर मिलकर के उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने पर सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध करके अपने साथ शीघ्र लौट करके यहाँ पर आना। इस प्रकार नवरात्रि की चौथे दिन की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद यदि आप कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं या मंत्र जाप अनुष्ठान पूजन पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं या फिर कन्या भोजन के निमित्त दान स्वरूप धन राशि आप यदि प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें पहुंचा करके महापुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।